हेलो इंडिया, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे आप लोग? मुझे पता है आप सब लोग ठीक है। भाई आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ, आपने देखा नहीं होगा, आप गोवा आते हो या अपना कलंगूट बागा इतना ही देख के जाते हो, लेकिन गोवा में बहुत कुछ है देखने के लिए। और आज स्पेशल हमारे साथ एक यूट्यूबर है जिनका गेस्ट हाउस है अंजुना में, इनका नाम है उद्दीन भाई। हेलो इंडिया, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और भाई साथ में रहिए, ये ट्रेवल, ये ट्रिप रहेगा, हम लोग भी एंजॉय करेंगे, हम लोग भी एक टूरिस्ट की तरह घूमेंगे यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अपने हिडन प्लेस पे। बाइक निकल गई है, रेडी हो गए हम लोग, अभी चलते हैं ट्रैवलिंग के लिए। मैं आपको सिर्फ वो ही नहीं दिखाऊंगा, और भी कुछ चीजें हैं जो बीच में आएंगी, धीरे धीरे सब आपको बताएंगे छोटे छोटे क्लिप में। और प्लीज आप गोवा आइए भाई, गोवा आपके बिना अधूरा है, प्लीज प्लीज गोवा विजिट कीजिए। तो उद्दीन भाई गाड़ी तैयार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उद्दीन भाई कितना टाइम लगेगा? अरे 2 मिनट बाबा। ओके चलो, 2 मिनट, 2 मिनट में निकलते हम लोग यहाँ। दोस्तों अगर आप बाइक लेके ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्लीज हेलमेट पहन के ट्रैवल कीजिए, हेलमेट कंपलसरी है गोवा में, नहीं तो आपको हर कोई ट्रैफिक वाला पकड़ेगा, आपको चालान लेगा, ये अच्छा नहीं होगा। वागातोर सर्कल है, अगर यहाँ से आप राइट लेंगे तो मापसा जाएंगे, लेफ्ट लेंगे तो वागातोर जाएंगे, और सीधा जाएंगे तो शिवलिंग। ठीक है, हम लोग सीधा जा रहे हैं शिवलिंग की तरफ। और हम लोग चले खाना खाने के। ये ऑथेंटिक गोवन थाली है जो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाती है, तो आप जरूर ट्राई करिए। जो रेस्टोरेंट में थाली मिलती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो यहाँ लोकल जो घर में बनाती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अभी हम यहाँ पे लोकल जो घर में बनता है फिश थाली, हम वो ट्राई कर रहे हैं। क्या ऑर्डर किया भाई? मैं फिश थाली ऑर्डर किया है, मैकरेल भांगड़ा, जिसको यहाँ पर भांगड़ा बोला जाता है और इंग्लिश में मैकरेल बोलते हैं, तो उसकी फ़िश थाली हमने ऑर्डर किया है। फिर साइड से एक अलग हमने फिश ऑर्डर किया। बस आप लोग मुंह में पानी मत निकालिएगा, आप भी आके खा सकते हैं। फाइनली खाना आ गया, और उद्दीन भाई का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत भूखे हैं। भाई दूध पड़वा, शुरू हो जाओ भाई। लंच हो चुका है हमारा, उद्दीन भाई अभी थोड़ा सेटिस्फाइड लग रहे हैं, ये भूखे हैं, इनको बहुत भूख लगती है भाई, तो भाई कुछ बोल नहीं सकता, तो इनको भूख लगी है। हम लोग आ गए, खाना वगैरह हो गया, अभी सीधा चलते हैं आरामबोल की तरफ। चलिए आपको ले चलते हैं, पैदल ले जाएंगे, बाइक में जाएंगे, पेट भरा हुआ है नहीं तो उल्टी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं आरामबोल बीच, तो मैं जो जगह आपको दिखाना चाहता हूँ ये इससे पहले आता है। अगर आप आ रहे हो ना इस तरफ, तो प्लीज़ आरामबोल विजिट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, आप देख सकते हैं पीछे। यहाँ पर आप शाम को आएंगे तो आपको यहाँ पर योगा देखने के लिए मिलेगा, बहुत से रशियन फॉरेनर यहाँ पर आते हैं, और आ रहे हैं ना तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा ड्रग्स वगैरह से बच के रहिएगा, इंजॉय कीजिए, ड्रिंक्स वगैरह कीजिए। सामने शेक्स वगैरह है यहाँ पर, अगर आपको वाटर स्पोर्ट मिलेगा तो वाटर स्पोर्ट कीजिए, बहुत से एडवेंचर यहाँ पर होते हैं, तो प्लीज़ ड्रग्स वगैरह से बचिए, यहाँ पर बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए। दोस्तों हम लोग चले अभी स्वीट लेक बीच के तरफ से बाय वॉकिंग जा रहे हैं, यहाँ से 10-15 मिनट का वॉकिंग है, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ये रास्ता यहाँ से जाता है स्वीट लेक के लिए, देखिए अंदर शॉपिंग वगैरह रहेगा, आपको शॉप वगैरह करते हुए आप जा सकते हैं, एकदम मस्त है, बीच के पास ही है। स्वीट वाटर लेक के चक्कर में प्यास लग रही है। हाँ उधर ही अभी स्वीट वाटर ले गए, उधर ही पानी पिएंगे हम लोग।
सामने दुकान नाइट मार्केट में नहीं होती है यहाँ पर। आप लोग दोस्तों यहाँ पर आके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा और सब मस्त कपड़े हैं यार भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बस आप सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पैसा देने लगेगा तो हम लोग भी कुछ खरीदेंगे। ये सीधा जाता है रास्ता स्वीट वाटर लेक की तरफ, चल रहे हैं उज्जैन भाई। तो मेरे ख्याल से 200-300 किलो कैलोरीज कम हो गई होगी। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए स्वीट वाटर लेक आरंबोल। अगर आप गोवा में है तो प्लीज़ मस्ट विजिट दिस प्लेस, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और स्वीट वाटर लेक है सामने, आपको बीच दिखाई देगा यहाँ पर स्वीट वाटर लेक है। एंट्री वगैरह फ्री है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, बेड वगैरह आपको मिलेगा यहाँ पर। और स्विमिंग करने के लिए प्रॉपर यहाँ से एक जगह गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा इस वीडियोज़ आपको दिखाऊँगा बस थोड़े थोड़े क्लिप शॉट में। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ यहाँ पर आप विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है, आपको एक अलग वेव मिलेगा और बहुत शांत जगह है। तो प्लीज़ विजिट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग वीडियोज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। हम लोग अभी थोड़े दिन के बाद साउथ गोवा सीरीज चालू करने वाले हैं, तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। ये देखिए ये भाई भी आए हैं यहाँ पर। सर कैसा लगा आपको आरंबोल आके? मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया। हाँ ठीक है, आप भी आइए यहाँ पर, मजा nice. और फैमिली के साथ आए हैं ये लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे वगैरह आप लेके आए। यहाँ कोई भी स्विमिंग कर सकता है लेक के पास, ज्यादा डीप नहीं है। तो प्लीज यहाँ पर विजिट कीजिए और गोवा आइए भाई, गोवा आपके बिना अधूरा है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी आपको कुछ डिटेल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका भाई आपका दोस्त यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे गोवा में, थैंक यू सो मच।